Hello viewers, how are you? Let's discuss an important topic which will be very useful for you, I think. And this topic is how should we use the words a piece of and a pair of. So these are two words which we use in our daily life. But do you know that how should we use these words in a sentence so that our sentence may become absolutely impeccable or absolutely perfect? So here I have written some words here. Use of piece of and pair of. So पहला है a piece of और दूसरा है a pair of. तो इनका प्रयोग हम कब करेंगे? इनका प्रयोग हम उस स्थिति में करेंगे जब हम किसी एक चीज को बताने की स्थिति में हैं. When we are in the position to tell something about a singular thing. तो उसके बारे में हम जब कहने की बात स्थिति में हैं, तो उसके लिए हम जो है a piece of का प्रयोग करेंगे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं. Here I have written some words. Information, news, advice, work, paper, bread. तो ये these words are used in our daily life. हम अपनी daily life में इन शब्दों का काम में लेते हैं. लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी जरूरत है कि हम इन शब्दों को अगर सही ढंग से उपयोग में लेंगे तो हमारा सेंटेंस भी एब्सोल्युटली त्रुटिहीन हो जाएगा, पूरी तरह से त्रुटिहीन हो जाएगा और हमें कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा. तो हम इनको जब ये सब लिखे हुए हैं तो इनको अगर हमें किसी एक सूचना, एक समाचार, एक सलाह, एक कार्य, एक पेपर, एक ब्रेड, ये हमको अगर कहना हो तो हम ऐसे नहीं कहेंगे गिव मी अ ब्रेड और गिव मी अ पेपर और ही गिव मी एन एडवाइस और ही गिव मी अ न्यूज और ही गिव मी एन इंफॉर्मेशन. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इस प्रकार का प्रयोग हमको बिल्कुल नहीं करना है. तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि अगर हमें एक किसी की स्थिति बताना है तो हम क्या कहेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पीस ऑफ ब्रेड. कि उसने मुझको एक सलाह दी तो ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. इस प्रकार हम बोलेंगे. जैसे उसने मुझे एक सूचना दी तो ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इस प्रकार इनका प्रयोग हमेशा अ पीस ऑफ के साथ होगा. और इनमें जो है जब हम इनका प्लूरल करेंगे तो प्लूरल में इनके साथ में एस नहीं लगेगा. जैसे ही गिव मी, जब हम प्लूरल में बोलेंगे तो कैसे कहेंगे, ही गिव मी सम इंफॉर्मेशन. तो सब इंफॉर्मेशन जब हम कहेंगे तो एस पीछे नहीं लगेगा. सम इंफॉर्मेशन एंड सम न्यूज, ही गिव मी सम न्यूज, सम एडवाइस, ही गिव मी सम एडवाइस. ही हैड सम वर्क, उसके कुछ काम था. और पेपर, ही गिव मी सम पेपर. तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम पेपर जो है कह रहे हैं कि मुझको कुछ पेपर चाहिए, मतलब कि वो गिनती में 10 पेपर चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो हम यही कहेंगे गिव मी सम पेपर. यहाँ पर जो है हम पेपर का ही प्रयोग करेंगे. लेकिन हम अगर कोई खास किसी पेपर की बात कर रहे हैं जो अलग अलग तरह के पेपर्स हैं और उनको हमें चाहिए, मतलब किसी से हम कोई पेपर लेने गए जो कि उसको मालूम है कौन सा पेपर है और कोई अलग तरह के पेपर हैं, तो उसके लिए पेपर्स आएगा, दे गिव मी द पेपर्स. उसमें वो, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पेपर का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है. तो इस प्रकार ए पेयर ऑफ. अब जब ए पेयर ऑफ का यूज है, वो जिन चीजों के दो भाग निकलते हैं, जिन वस्तुओं के, जिन चीजों के दो भाग निकलते हैं, उसको कहने के लिए हमको ए पेयर ऑफ कहना पड़ेगा. जैसे आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो सीजर्स, टॉन्ग्स, शूज, जीन्स, गॉगल्स एंड स्पेक्टेकल्स. तो इन सबके पीछे एस आया हुआ है. ये एस के साथ प्लूरल फॉर्म में ही ये लिखे जाते हैं, गॉगल्स, जीन्स, स्पेक्टेकल्स, शूज, टॉन्ग्स, सीजर्स, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल्स में लिखे जाएंगे. और अगर यूं कहेंगे कि मुझे एक चश्मा खरीदना है तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ गॉगल्स और यू में से स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स यानी धूप का चश्मा, गॉगल्स यानी नजर का चश्मा. और इफ यू गो टू मार्केट टू बाई सम जीन्स, देन हाउ विल यू से, इफ यू वॉन्ट टू बाई अ जीन्स, देन हाउ विल यू से आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ जीन्स, बिकॉज उसके दो भाग निकलते हैं. तो जिन चीजों के दो भाग निकलते हैं उनको खरीदने के लिए या लेने के लिए हम यही बोलेंगे अ पेयर ऑफ. अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, टॉन्ग्स यानी संडासी, सीजर्स कैंची, शूज यानी जूते. तो जैसे मैं बाजार जूते खरीदने गया एक जोड़ी, तो
बाजार में जाकर मैं मार्केट में यही कहूंगा उस दुकानदार को, प्लीज शो मी अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि वो दो हिस्से मिलकर वो पूर्णता हासिल वहां पर करते हैं, दे बिकम परफेक्ट व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर। सो इन दैट वे दिस इज अ वेरी यूजफुल यूज ऑफ सम वर्ड्स, अ पीस ऑफ एंड अ पेयर ऑफ, एंड आई होप यू विल सर्टेनली टर्न ओवर अ न्यू लीफ एज सून एज यू फाइंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल सर्टेनली फाइंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।